Assalamu alaikum wa rahmatullahi everyone. This is Ikra Basim from IMS team, and I welcome all of you into this session, which is going to welcome the revivalists into Islamic messaging system. Now, I'm going to give a brief introduction for the speaker we have with us, Kesar Ahmad Raja. He's a Muslim speaker having academic knowledge on topics like liberalism, atheism, secularism, communism, socialism, and politics. He's been active in debates, broadcasts with struggle to increase Pakistani youth's acumen and knowledge. We welcome Kesar Ahmad Raja and his team to this session, which is going to open a door between the revivalist and Islamic messaging system. Sir, I think uh, it was audible to you. I hope you're fine. And uh, over to you, you can begin the session. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिसमी अल्लाम वरह वबरको उम्मीद है सब बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे साहिल तो भाई को टीम को कि उन्होंने ये सेशन अकोमोडेट किया जैसे मैं आगे अर्ज़ कर रहा था कि मोस्ट चीज़ें तो आपको आप रिवावर के हवाले से आप जानते होंगे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने पहले कही हुई हैं टोडेज आइडियर इज़ कि हम इसको एक इंटरेक्टिव सेशन के तौर पर यूज़ करें कि ज्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम चाहता हूँ uh, वो एरियाज भी हम एड्रेस करें जो शायद पहले नहीं हुए या आपकी नज़र से नहीं गुजरेट फर्स्ट ऑफ नोट बिकॉज आई बिलीव इन रेवोल्यूशन मेरा नहीं ख्यालूशन किसी मसले का हल होती है फैक्ट रेवोल्यूशन का सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है आम तौर ये आ इधर होती है या ये नाकाम हो जाती है तो हम जिस दीन को मानने वाले हैं उसके अंदर सिर्फ जो, जो जो क्या कहते हैं क़वत बाजू है सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं है बल्कि इसमें अकल का इस्तेमाल है सफारत का, का इस्तेमाल है और सीरत का मॉडल हमारे पास मौजूद है कि किस तरह से जिनाब सलत ने इस चीज़ को खुद कैरी फॉरवर्ड किया तो हम उसको इमिटेट करना चाहते हैं और हमारे पास तो जो एपिसमोलॉजिकल फाउंडेशन है वो मौजूद है कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो हमने तो उसको रिवाइव करना है तो हमें किसी से फिजिकल लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल लड़ाई की जरूरत है दिस इज बेसिकली इज आइडिया सो अच्छा मेरे पास एक लैंग्वेज का पूछा जा रहा है समथिंग आई हैव टू आंसर

सो so, हर वो एस्पेक्ट जो हमारी जिंदगी को टच करता है उसको शरीयत गवर्न करती है uh, हम उसको पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल पैराडाइम के तौर पर लेके आना चाहते हैं सो नाउ द क्वेश्चन इज के क्या हम शुरू में ही ये काम करना चाहते हैं एंड द आंसर इज के यस yes, अगर रिसोर्स हों तो शुरू में कर सकते हैं लेकिन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप इतना ख़ुद पे वजन नहीं डाल सकते कि आप उसके नीचे कैपिचुलेट कर जाएं क्रम्बल कर जाएं। देर इज इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट तो हमने तीन एरिया सेलेक्ट किए हैं वहाँ से इंशाल्लाह एक्सपेंशन हमारी स्टार्ट होगी पहला एरिया है कल्चरल रिवाइवल का वी आर ऑफ द ओपिनियन के पाकिस्तान का मीडिया सिंगल हैंडली रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के कल्चर को कल्चरल फैब्रिक को चेंज करने में जो हमें एक सेकुलर कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रामो में सीन इस तरह से डायलॉग इस तरह से बड़ी डीप डार्क साइकोलॉजी यूज होती है तो हम इसको रीगेन करना चाहते हैं इन आ वे के अब कर बाउट करके ड्रामों का हम एक स्ट्रॉग मैसेज दें कि हमें ये कंटेंट नहीं चाहिए हमें वो कंटेंट चाहिए कि जो आ, कम से कम यू नो ये ना हो कि हम उस सेकुलर की तरफ हम जा रहे सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं खिलाफ शरीद कॉन्टेंट डायलॉग इस तरह की ये नहीं इसके लिए हमें शुरू में अगर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं ड्रामे uh, जिसमें मर्द रोड़ते हैं तो यस श्योर एट दिस वी वी आर हैप्पी हैप्पी दैट दैट वो नॉट बट यू नो के तौर पे कि इसकी प्योरीफिकेशन हो जाए बाकी सारा कॉन्टेंट एथिकल हो अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है तो एक तो उसका बाइकआउट का है तरीका का। दूसरा उसका लिटिगेशन है अलहमदुल्ला पाकिस्तान में हमने दो पैनल्स तैयार कर लिए हैं कि हम इन लोगों पे करने है। सिंपल बात है जितना रूल में, में भी इजाजत नहीं है, है आइन तो वैसे ही कानून गोंडरपिन करता है जिसमें इन चीजों की इजाजत नहीं है तो हम इन पे आ, इनको बैन कराएंगे फिल्में भी हम जिन्स प्रस्ती वाली पूरी चेन पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है और आइंदा भी आने वाली है उनको भी रोकना चाहेंगे सो टाइम इन अगेन ये बात की आइडिया ये है कि हम अपने कल्चर को प्योरीफाई करें थ्रू दी द मीडिया ये हमने ये काम एसेंशियल करना है आ, दूसरी हमारी जो रिवाइवल है वो कल्चरल है कि लोग हम हमेशा ये बात करते हैं कि सारी साइंस कुरान से निकली हुई है विच इज़ फैक्चुअली इनक्यट लेकिन फिर भी हम ये दावा कर देते हैं हमेशा ये दावा करते हैं कि सारे साइंसदान बड़े बड़े हमने प्रोड्यूस किए हैं जब भी बात की जाए तो इबनार जमी ये सारे पुराने नाम हम ले लेते ले हैं I mean, इस्तेमाल करते रहे तो हमें दोबारा से साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने होंगे थिंकर मैथमटिशंस you know, हों पर्वली मैथ्स हों ए आई डिवेल्पर्स हों टेक्ट डिवेल्पर्स हों हमें दोबारा से होंगे और हमारा टारगेट है पांच लाख तक है इनशाला अचीव करने का तो ये है हमारी जो इंटेलेक्चुअल रिवाइवल है कि एक थिंकिंग पाकिस्तान हो जिसमें जो, जो हर इस प्रोग्राम में आने वाले आदमी की जो हमने तरबियत करनी है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसमें माइंडफुलनेस होगी उसमें एनएलपी होगी कि एक इंटेलेक्चुअल नेशन पूरी डेवलप करनी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाँच लाख लोगों तक महदूद होगी हमारी मेम्बरशिप एक करोड़ तक जाती है तो इन शह ये कोर्सेस हम ऑन करेंगे लोगों के लिए डू इंटलेक्चुअल लेवल है वो राइज हो कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर हमारी बात हो और तीसरी चीज़ है हमारी जो ये मॉडर्नज़म्स पाकिस्तान में आए हैं ट्रांसजेंडरिज्म की सूरत में सेक्युलरिज्म की सूरत में एथीज़म की सूरत में डार्विनिज्म की सूरत में इनको हम यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि वहाँ स्पेन को ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाता है तो वहाँ पे जाके हम एक टूल किट तैयार करें स्टूडेंट्स को ये हम दें कि दिस इज़ हाउ यू प्रोड्यूस द काउंटर नरेटिव क्योंकि अभी ये है कि इस तबका यह तबका जो है करंट स्ट्रक्चर उनका यह है कि जज यूरी एग्जीक्यूशन वही होते हैं उन्हीं की तरफ से एतराज़ा आते हैं फिर जब उनको वजातें पेश की जाती हैं तो फिर और वजहतों के मैं बहुत खिलाफ हुआ कि चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा वाई लेकिन बहरहाल हम वजाहतें पेश करते हैं तो फिर वही फैसला करते हैं कि वजाहत कबिल कबूल है या नहीं है तो अब आवर जॉब इज टू लेट दैम नो के भाई क्या प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म में एकेडमिक बेसिस पे नॉट इमोशनल बेसिस एग्नोस्टिसिज्म एथीज़म एग्नोस्टिसमती जितने भीजम्स हैं तो ये तीन चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इकॉनमी uh, में भी बैक बैक एंड भी वो काम हो रहा है अगले दस साल में दस यूनिकॉर्न्स डेवलप करने का हमारा प्रोग्राम है दस यूनिकॉर्न्स डेवलप करने का मतलब है कि एटलीस्ट टेन बिलियन डॉर्स का कंट्रीब्यूशन इकानमी में वो दस साल का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी बात हो रही है हमारी उन लोगों से जो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं पाकिस्तान तो द आइडियर इज़ के टैलेंटेड लोग जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जो अमीर वेस्टर्न कंट्रीज में हम सेल कर सकें आ, उनको और पैसे को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए सो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें हमारे जो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हों भल्के हों भले एआई में हों क्वांटम साइंस में हों यू नहीं मेरे किसी भी फील्ड में हों तो वो वो डेवलप करके लेकिन लाइक like असर के कि वो उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं माहौलियात के हवाले से इकोनमी के हवाले से वो Both far-reaching, and they will take time. At the moment, here So I think that's that's about covers uh, initial thoughts. Uh, ab if you have any questions, I'll be happy to entertain them. Uh, we're going to move toward the Q &A session. And uh, firstly, I'm going to unmute Hadid. You can ask your question. ओके मुसरत यू कैन अनम्यूट अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो आपने कल्चरल रिवाइवल की बात की है और उसमें ड्रामा इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री खास तौर पर तो बात असल में ये कि आजकल ड्रामा में कोई गलत चीज दिखाई जा रही है या इस तरह की चीजें तो ये सिर्फ आज तो नहीं हो रहा ये जो 80s और 90s के ड्रामा हैं जिनको आज हर बंदा अच्छे जमाने के ड्रामे कहता है उनके जो राइटर्स हैं फातिमा हसीना सुल्हिना उनकी तारीफें करते हैं तो सबसे पहले इस मैंटेलिटी को यह बदलना पड़ेगा कि ड्रामे गलत वो भी थे वो जो ड्रामा था मतलब उस जमाने में लोगों ने एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया था जो असल में उस वक्त माशरे में बिल्कुल था ही नहीं और मतलब जब अगली जनरेशन आती हैं तो वो और ज्यादा बुराइयां लेकर आती हैं तो असल में तो ये एक सफर तय हुआ है जो आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं

उन्होंने पता नहीं किसने प्रोड्यूसर ने बनाया होगा या स्पॉन्सर्स की मर्जी होगी कि तो उन्होंने पूरी कहानी को चेंज किया तो एक्चुअली अगर उनके स्पॉन्सर्स को यानी कि ड्रामा के जो स्पॉन्सर्स उनका बैकआउट किया जाए तो फौरी तौर पर इस तरह के ड्रामे रुक भी सकते हैं तो मैं इस सिलसिले में दो बातें कहना चाहूंगी एक तो ये कि लोगों को असल में ये बात भी समझना या उनको बताना कि जिस ट्रेंड ही बनाना है तो एक्चुअली ये बनाना चाहिए कि गलत वो भी था जब जब वो जो जैसे हम बेस समझते हैं जैसे हम ठीक समझते हैं तो वो हम गलत साबित होगा तो आज की चीजें तो असको भी लोगों को महसूस होगा की हाँ ये तो और भी ज्यादा गलत है या कितनी ज्यादा गलत है तो एक पॉइंट तो ये था और दूसरा एक पॉइंट था कि जो ट्रांसजेंडरिज्म वगैरह से मुतल बात है तो अगर मुझे बताया आपकी क्या पोच होगी उस सिलसिले में के उसके लिए कैसे ट्रेंड्स चलाए जाए या कुछ भी किया जाए लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज़ जैसे अभी शरीद कोर्ट का जब फैसला आया उन्नीस मई को तो उससे पहले जो ट्रेंड चल रहे थे अब चलाते हैं तो शायद वो बार बार उस तरह का ट्रेंड चलाना एडमिशन दे दिया या इस गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में, में ट्रांसजेंडर्स को अ, मतलब दाखिले मिलने लगे हैं या जॉब मिलने लगी है तो अ, हम किस किस के खिलाफ मतलब एक एक बंदे को या एक इंस्टीट्यूट को अगर हम पकड़ेंगे और मैं असल में ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर जो अच्छा असल बात ये कि लोगों को असल में ये बात नहीं मालूम कि असल में जो खुनसा खनसा या जो सही अमल है वो है क्या तो हर सिर्फ ये बताना कि ये गलत है ये गलत है हम कितनी चीजों को बताएंगे और कब तक बताएंगे तो अगर लोगों को इस बात का शौर होगी कि, कि सही क्या है तो उनको एक एक को ये नहीं बताना हर बार बढ़ेगा कि गलत क्या क्या चीज है वो खुद ही इस बात का फैसला कर लेंगे जैसे आज लोगों को नहीं मालूम खुनसा के मुताबिक बहुत सारे शहरी अकाम नहीं मालूम है

इंसिडेंटली कुछ सीन ऐसे होते थे जिनको रोका नहीं गया तो उसका नतीजा यह है कि दो, दो हजार चौबीस में आज पाकिस्तान का बाप ये कॉन्फिडेंस खो चुका है कि अपनी बेटी के साथ बैठ के टी वी देखे राइट पर इमेजिन कि आज अगर इसको ना रोका गया तो फिर दो हजार पैंतालीस में लोग क्या देख रहे होंगे ट्वेंटी ईयर्स नाउ वो अन कॉन्टेंट होगा तो इसलिए इसको रोकना जरूरी है अब हम माजी की बात यस yes, हम सीख सकते हैं उससे बट वी कॉन्ट की पास्ट बिकॉज इट्स अनचेंजेबल फ्यूचर इज चेंजेबल राइट तो आज हम इस पर काम करना चाहते हैं अब ट्रेंड्स कैसे होंगे देखिए पाकिस्तान की अदालतों का इधारों का एक मिजाज है कि जिस केस के पीछे कोई यू नो बीस पच्चीस हज़ार लोग खड़े हो जाते हैं बीस पच्चीस भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ लोग खड़े हो जाते हैं उस केस का फैसला जल्दी आ जाता है अदरवाइज वो बिल्कुल सा रह जाता है तो हम एक ये ड्यूल एफर्ट है हमारी ड्यूल फ्रंट पे कि जब हमारे वखला इन शैमरा में जाएंगे तो साथ ही पच्चीस तीस हजार ई मेल्स हमारी मेम्बरशिप की तरफ से पैमरा में जाएंगी साथ ई मेल्स भी हम लिख के देंगे <coughs> टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोगों ने सिर्फ अपना नाम ऐड करना है और भेज देना है, है सिटिजन, उसमें भी जो इनडेट करेंगे हम ये नहीं देखना चाहते time, उसके खिलाफ बाईक वो भी चल रही होगी डेली बेसिस पे तो पॉइंट ये है कि हम और ये जो आपने कहा ना कि किस किस को हम रोकेंगे लुक नेकी और बदी की ताकत में ऐसा नहीं हुआ करता कि दो जंग जब चलती है तो आपने सारे फौजी मारने होते हैं यू ऑलवेज कोज ए नफ डेमेज टू स्प्रेड द मैसेज और बाकी जो होते हैं लोग जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं सो मिसाल के तौर पर अगर एक ड्रामा है तो, तो से के सौ ड्रामे ऐसे हैं जिनमें वो फैलाई जा रही है हम उनसे दस को टारगेट करते हैं उन दस को जब फाइनेंशियल हिट लगेगी लोग बाइकआउट कर रहे होंगे उसको जुर्माना हो रहा होगा पाबंदी लगेगी तो बाकी नाइन्टी ड्रामाज के जो प्रोड्यूसर हैं वो रिलेक्टेंट हो जाएंगे कि हम अपना पैसा लगाएं कि ना लगाएं कोई को गारंटी नहीं है कि हमारा पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा सो इट्स नेवर द केस कि आपने पूरी की पूरी आर्मी तबाह कर देनी है इट्स ऑलवेज अबाउट पिकिंग द बेस्ट सोल्जर्स कॉजिंग पेन देयर एंड दैट इटसेल्फ बिकम्स द पेन पॉइंट फॉर द इंटायर पैराडाइम ये हमारा आइडिया है तो इनशाला इस पर हम कैरी ऑन करेंगे <coughs> ओके बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चंस शॉर्ट रखें टू द पॉइंट रखें ताकि मैक्सिमम लोग अपने पॉइंट समझ रख सकें रोहेल आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है जी अस्सलाम वालेकुम uh, मैंने ये पूछना uh, था आपसे कि जितना डॉक्टर साहब का इश्तेहार है डॉक्टर इसलार और साहिल भाई को मैं अक्सर सुनता हूँ एक डिफरेंट तरीके सोच रहे हैं मतलब कि वो जिस तरह कहते हैं कि जान लिए बगैर आपका मतलब चेंज नहीं आ सकता जिस तरह आप चेंज रिबाइबल की बात कर रहे हैं आप जिस तरह से लेके चल रहे हैं वो एक मतलब काफी मतलब इंटेलेक्चुअली आप देखें तो बहुत मतलब आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन आप मुझे लगता है काफी हिल बहुत ज्यादा है आपने मतलब थोड़ा ननम गोशी है थोड़ी मतलब वो अल्लाह की तरफ से शायद आ गई है लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी स्टेज पे जाके हमने कोई ना कोई ऐसा मतलब रिवाइवल भी है सारे, है है मतलब एक एक प्रोसेस मतलब फोर्स कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि जिसमें आपको लगता है कि हमें हाथ उठाने की जिस तरह साहिल भाई तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे सोच रहे हो तो डेमोक्रेसी को जैसे की ताबूत है उसको इंकार कर रहे डायरेक्टली के उसका उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और आप इंटरनली देख रहे हैं कि अभी सिस्टम के अंदर जो भी छोटे छोटे ताबूत हैं, सूद है एलजीबीटी है या बाकी जो चीजें हैं उनको मतलब उनको टारगेट करके मतलब उनको लाया जाए मतलब उनको सही किया जाए तो मतलब आ, क्या मतलब इन, आ, मतलब आपको नहीं लगता कभी ना कभी हमें जरूरत पड़ेगी हाथ उठाने की या कोई ना कोई आपको लेना पड़ेगा No, I don't, मतलब मतलब so. ने, ने, I don't think so. नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो देखें वो कहते हैं ना कि समथिंग uh, कुछ शेयर ऐसा है कि uh, मकाम मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले सो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू वन अदर इट हैव टू बी देयर कि हम खामोशी से बैठे रहें या उठ के हम लड़ना शुरू कर दें देर इज द मिडल वे विच इज योर पावर वेर योर ट्रू पावर लाइज इसलिए कि आप भले ओपरेस्ड हैं लेकिन आप ओपरेस्ड मेजोरिटी हैं को पे नहीं आना चाहिए कानून आपके पास है वोट की ताकत आपके पास है जिसने इलेक्शन में जाना है ये 25 से तीस साल का जो प्लान है हमारा शरीय के बेसिक फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने का इलेक्शन टू इलेक्शन उसके पीछे सारा प्रोसेस थॉट प्रोसेस यही है कि जब वोट की ताकत आपके पास है तो आप सूद खत्म करा सकते हैं उन्होंने वोट के जरिए जाना है ना असेंबली में आपकी जरूरत है उनको मैं इस चीज पे मेरे भाई पक्का कि जो आदमी शरीयत के लिए अपना वोट दे जान, so उस जान देने का टाइम आ गया मैं किसी से नहीं कहूंगा क्या ये भाई आप जान दीजिए क्योंकि तो मुझे पता है कि हम मुखलिफ हैं कोशिश के मुझे नहीं ये किसी को बात कहने की जरूरत जैसे डॉक्टर साहब कहते थे कि हमारे पास अढ़ाई तीन लाख लोग हों तो हम जै इस्लामाबाद को हम टेक ओवर कर लें वेल दैट टाइम इज़ नाउ गॉन पर्टिकुलरली आफ्टर नाइन अलेवन दैट टाइम इज डेफिनेटली गॉन देर इज़ अ रीज़न के डॉक्टर इसरार साहब के पास जो अददी वो लोग थे जो उनके साथ काम करने वाले जो मुतफिक हजरात थे वो तीन हज़ार से भी कम थे इतनी नहीं कि दस दस हज़ार लोग उनकी सुनते थे उनके कुरान का बयान लेकिन जो उनके नज़रिए से मुतफिक थे देवर लेस दैन थ्री थाउजेंड एक्चुअली उदाद आज भी दस हज़ार से कम है उनकी तहरीक की तो कहने का मतलब ये है कि इट्स टू मी इज नोटल मॉडल एन मोर और जब आपके पास ताकत जमहूरीत की है तो आप और एक ही ताकत है दर इज़ ओनली वन पावर यू हैव जो अल्लाह तला ने ग्राउंड रिसोर्स बनाए हुए हैं और ग्राउंड रिसोर्स को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि अब देखें ना जो जो साइकोलॉजी है बताई गई है हमें इस मामला इन मामला में कि मम की क्या होती है जो असाब कहाफ का अल्लाह तला ने बताया दो दफ़ा बताया कि उन्होंने जो दुआ मांगी उसमें उन्होंने इसबाब मांगे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उठ के जान दे देंगे भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाही तो अभी इन पे पत्थरों की बारिश बरसा दे खत्म कर दे मामले नहीं उन्होंने अल्लाह ताला के जो बिखरे हुए असबाब थे वो मांगे और अल्लाह ने कहा कि ठीक है तो मोमिन होता है वो कभी भी गिवन अस्बाब से मुंह नहीं मोड़ता इसलिए कि वो उसको अल्लाह की रहमत से मिले होते हैं आपके पास डेमोक्रेसी की सूरत में बड़े तगड़ा एक अस्बाब अल्लाह ताला ने आपको एक, एक दिया हुआ हुआ है एक पावर दी हुई है लिबरल डेमोक्रेसी पे ऑफ कोर्स हम लानत भेजते हैं हम नहीं समझते कि आप खुद लजिस्लेट कर सकते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके पास ये पावर तो है कि आप उस आदमी को लेके आ सकते हैं जो शरीयत को लेके आए बिट बाय बिट लेके आए मैं नहीं कहता पाँच साल के अंदर आप सारा कुछ चेंज कर दें ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन लेकिन पच्चीस तीस साल में तो एक बेसिक फ्रेमवर्क हो सकता है इसलिए मैं कहता हूं कि यही हमारे पास एक ताकत है बाकी अगर इस तरफ सिचुएशन चली जाती है कि हमारे काम से ये खुश नहीं हैं कुछ लोग खुश नहीं हैं सियासी पार्टियां खुश नहीं हैं ड्रामों वाले खुश नहीं हैं कि हम उन्हें हर्ट कर रहे हैं और वो आ जाएं फिर उठा के ले जाएं या कत्ल कर दें यह कर दें दउ थिंग्स आई डोंट केयर अबाउट क्योंकि जब बहसीत मुसलमान आपको ये यकीन है इस चीज़ का कि जान देने वाली और जान देने वाली ज़ात अल्लाह ताली की है और फिर आप डर के कोई काम ना करें मैं उसको शिरक समझता हूं कि आपने समझ दिया है कि आपकी जान का मालिक कोई और है दैट वी कैन एवर डू हो सकती है यू नो यस वो सारी चीजें मैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इस डर से हम कहें कि नहीं भाई वो कहीं ऐसा के ना हो कि मारे ना जाए ये नीयत करने के बाद अगली सांस के बाद अल्लाह तला खुद को बुला ले तो फिर जो इंसान ब्रगरेट के साथ मरे तो क्यों ना इंसान बहरे रग्लेट के मरे कि लुक वी आर गोइंग टू पुट अप द बेस्ट शो दैट वी कुड विद इन आवर कैपेसिटी कबूल करने वाला अल्लाह है वो दुआ करेंगे हमेशा के वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन चानवाज़ यू कैन अनम्यूट अस्सलामु अलैकुम

8 PM Pakistan time. time, I I I don't know whether there was a mistake uh, from the The organizers. They started early, and I thought I'm on time. so I couldn't catch up. The last two lines, uh, जो कैप्चर कर सका हूँ उसमें एक तो ये था शरीर वाली बात और दूसरी थी कुछ ट्रेनिंग्स की बात कर रहे थे एन एल पीज एंड ऑल दीज चलिए पार करते हैं दास्ट थिंग अबाउट क्वेश्चन ये है याद होगा आपको आई शिल रिम्बर किस तरह रातों रात तालिबान कोई सरप्राइज टू सी इन टेन टू फिफ्टीन डेज और टू टू थ्री वीक्स टाइम किस तरह से कैरेक्टर्स आए मार्केट में किस तरह से फिल्में बिकमें शुरू हुई किस तरह एक नया अफगानिस्तान बना विद इन नो टाइम तो सर uh, मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी शरीयत लागू होगी कैसे होगी थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका uh, बुरा ना मानिएगा मोस्ट प्रोबेबली मेरी अपनी ये इनबिलिटी है कि मैं आपके जो बिल्ट अप है और जो क्वेश्चन है उसका कनेक्शन मैं समझ नहीं पाया बट लेट मी एड्रेस द क्वेश्चन जो आपने कहा कि किस तरह की शरीयत होगी इट्स अ वेरी डेटेड क्वेश्चन इट्स इस sure आज के दौर में एक क्वेश्चन रेलिवेंट है भी यह नहीं है गिवन द फैक्ट के इतनी बार ये चीज़ एड्रेस की जा चुकी है कि हमारे पास शरीयत के वर्जन नहीं शरीयत का वर्जन नहीं हुआ करता फिक के वर्जन हुआ करते हैं जो कि इंटरप्रटेशन होती है शरीयत की वी आर वेरी क्लियर कि शरीयत एक ही है और हम ये कहते हैं कि जो आयने पाकिस्तान है 90 परसेंट ये शरिया कंप्लाइंट है प्रॉबली 90 परसेंट से भी ज़्यादा है मैं एज अ फिगर ऑफ स्पीच 90 परसेंट कर शायद ज़्यादा ही हो दो चार इसमें चीज़ें हैं फिक्स करने वाली और कुछ लूप होल्स हैं वो फिक्स करने वाले हम ये कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को विद इट्स लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें वी आर हैप्पी विद इट जाकला खैर एम्बर आप अनम्यूट कर लें अंबर आपको रिक्वेस्ट आई है मेरा मोहम्मद अहसन अस्सलाम आवाज आ रही है जी आ रही जी आ रही, जी आ रही, जी आ रही आपकी आवाज आ रही है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन

Is there, first of all, are you gonna leave some mechanism for us to follow up if you really want to have a little bit more detailed conversation? Uh, that's number one. Um but at a very high level, I think um, culture ko change. Typically, culture is an outcome of a behavior. So the question is when you talk about changing a culture, you're fundamentally talking about uh, first changing the behavior, which goes back to their belief system, right? So do you have like thought through about how to go about that change?

Uh, वो इनिशियल स्टेजेस पे है कि जो आपका बिहेवियर कलेक्टिव बिहेवियरल आउटपुट होता है उसी को ही हम कल्चर कहते हैं लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो जाती है कि कल्चर आपके बिहेवियरल आउटपुट को ही कहते हैं विच मींस कि आपके बिहेवियर का ये ये क्रिएशन होती है लेकिन वो क्रिएशन लेटर स्टेजेस पे इंस्पिरेशन बन जाती है तो उसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले लें कि अगर कोई नई कंपनी खुलती है वहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं और वो लोग इनिशियल अपना बिहेवियर इस तरह से डिस्प्ले करते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं करते सिगरेट फेंक दिया ब्रेक्स पे लेट आ रहे हैं द सर एंड अदर तो वो उनका बिहेवियर ही है जो इस कल्चर को डेवलप कर रहा है लेकिन जो बाद में कंपनी को ज्वाइन करेंगे वो इसी कल्चर का हिस्सा बन जाएंगे बिकॉज ये कल्चर उनकी इंस्परेशन बन जाएगी वो खुद कुछ नहीं करेंगे दिल जस्ट बिकम पार्ट ऑफ इट सो कल्चर बिहेवियर बिहेवियर कल्चर इट बिकम्स यू नो इट्स वेरी रिसिप्रिकल एट लेटर स्टेज जिसपे अभी हम हैं तो हमें क्या अपना बिहेवियर अब चेंज करना चाहिए या ऑब्वियसली करना चाहिए लेकिन देखें जब आप मैनी थाउजेंड आवर्स का कॉन्टेंट कंज्यूम करें एक ही टाइप का जिसमें वलगरिटी हरामकारी ये सारा कुछ नॉर्मल तरीके से दिखाया जा रहा हो कि ये नॉर्मल है एक्सेप्शनल नहीं है तो उस माहौल में अपना बिहेवियर चेंज करना बड़ा यानी बड़े एक मुजाहिदाना काम हो जाता है टेक्स ईमान विच अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सहाबा वाला मामला तो है नहीं तो आइडिया ये है कि जहाँ से हमारे पानी को गंदा किया जा रहा है उस पीछे से जो टैप जो पानी आ रहा है जिस टैप से उसको हम ठीक करते हैं बजाय इसके कि जो गंद पड़ा हुआ है इसको हम साफ़ करने की कोशिश करें बिकॉज विद द टाइम इट विल चेंज राइट तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम कल्चर की प्योरीफिकेशन का मतलब है कि मीडिया की प्योरीफिकेशन विच इज़ प्रॉबली द बिगेस्ट ड्राइवर इकोनॉमी भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कोई शक नहीं है Uh, जो एवरीडे पैकेज लोगों को मिलता है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आई डोंट डिनाई एनी ऑफ दैट लेकिन उसके लिए आप उस कल्चरल पैराडाइम को चेंज करने के लिए आपको 10 20 साल का वक्त चाहिए होगा एट टू टू गेट स्टार्टेड राइट और वो इन उसका ताल्लुक इंटरनेशनल रिलेशन से है उसका ताल्लुक सोवरेनिटी से है पाकिस्तान इज नॉट अ सोवरेन कंट्री पाकिस्तान को अभी मिसाल के तौर पे सिर्फ जीएसपी प्लस की फंडिंग का स्टेटस मेंटेन करने के लिए ट्वेंटी सेवन कन्वेंशन पे साइन करने पड़े हैं उसका उनको साइन करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सोवरेनिटी गिव अवे की है वो सोवरेनिटी गिव अवे करने का मतलब यह है कि उसका असर बरह रास्त हमारे कल्चर पर पड़ेगा जब हमारे कल्चर पर पड़ेगा तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते बिकॉज नाउ वी आर बाउंड पर ऑन मीडिया साइड वी आर नॉट बाउंड ठीक तो इस कहने का मतलब यह है कि हम फ्रू डेमोक्रेसी इलेक्शन टू इलेक्शन सारी स्पेस रिक्लेम कर सकते हैं मीडिया पे काम कर सकते हैं देयर इज व्हाई आई एम फोकस्ड वेरी मच ऑन दीस एरियाज क्योंकि ये वो बिगर एरियाज हैं बिगर पेन पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर मैनेज कर लेते हैं तो बाकी चीजें ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी ऑलराइट मारुख नूर ईसा नूर अमरीन अमरीन इकबाल अनम्यूट कर ले अबराह हसन अस्सलाम वालेकुम अल्लाहु अल्लाह ये आ, मेरा एक सवाल था आपसे कि एक तो ये कि आपके मिसबात से एग्री करती हूँ कि ये जो कल्चरल जो हमारे पास ये चेंज एकदम से आगे क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे तो वैल्यूज़ काफ़ी डिफरेंट थी लड़कियों के मामले इन सब चीज़ों में लेकिन ड्रामास में ये सब चीज़ देख देख के अब जो चीज़ें हमें पहले नॉर्मल नहीं लगती थी वो अब नॉर्मल मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे लगता है कि ये पार्ट ही है हमारी सोसाइटी का और हम लोग जब अब मेरी बच्ची है मैं उसको देखती हूँ कि ये जब बड़ी होगी तो मैं उसको कैसे इस चीज़ से बचाऊँगी मुआशा पे बच्चों पर असरअंदाज होता है ठीक है लेकिन दूसरी एक चीज़ जो बात की गई है कि हम जो है वो वोट के जरिए या हम लोगों को इन्फ्लुएंस करके तरीके से वोट करें और ये सब करें तो मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि साहि अदीम साहब भी यही सब यही बोलते हैं कि जब आप इस्लाम में एंटर हो गए हैं यार आप जब मुसलमान हैं तो आप फिर पॉलिटिक्स में आपका पार्ट है मतलब कि आपको करना है तो आप लोग क्यों नहीं एक ऐसी प्लेटफॉर्म या पार्टी जो है वो आप अनाउंस करते जिसके मंशूर में ये चीज हो और वो ये काम करे जब हम किसी और की, तो की, 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 की तो क्योंकि पॉलिटिक्स तो हमारे इस्लाम में करने के लिए है ना तो ये बात तो साहिदीन साहब भी बोलते हैं तो आप लोग ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते थैंक यू मेरी बहन ये गलती ना कीजिएगा बहुत शुक्रिया आपके सवाल का मैंने ये मूवमेंट जो प्रिवाइवलिस्ट स्ट्रेस को लॉन्च करने से पहले मैंने बड़े सग़ी की तकरीबन सारी बड़ी बड़ी जो तहरीकें हैं उनको एनालाइज किया कि वाई दे बिकेम सक्सेसफुल और वाई दे बिकेम अनसक्सेसफुल और वो नाकाम होने के बाद कभी बाद में कामयाब क्यों हुई और शुरू में कामयाब होने के बाद नाकाम क्यों हुई happened, right? तो हम दो तरह के

उन्होंने लेकिन इवन आर एस ने भी कोई एक पोलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है उन्होंने भी एक पोलिटिकल पार्टी को आगे कर दिया है बट उन्होंने अपने ऑफ बनाए हैं क्योंकि होता क्या है जब एक पोलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उसमें मसला क्या होता है उसमें मसला ये होता है कि पावर एक जगह पे कॉन्सनट्रेट हो जाती है जब पावर एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट होती है तो उसके बाद आपको कंटेन करना बड़ा आसान हो जाता है आज पाकिस्तान की किसी भी पोलिटिकल पार्टी आप देख लें ठीक है उसकी वजह रिलीजियस नहीं है लेकिन जब भी किसी पार्टी को कंटेन करना होता है बड़े आराम से कर लिया जाता है आजकल तहरीक इंसाफ कंटेन हुई हुई है पहले पीपल्स पार्टी हुई थी उससे पहले मुस्लिम लीग नून कंटेन हुई हुई थी नेवर मेक दैट मिस्टेक वी मस्ट लर्न फ्राम दीज थिंग्स उसका तरीका कार ये है कि पोलिटिकल पार्टीज को टेक ओवर करें अपने वोट को छोटे मोटे वादों केवज ना बेचें पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी में रहे नजरियाती तौर पर आप मजबूत होने चाहिए नजरियाती तौर पर आपके पीछे आई एम एस है आपके पीछे हैं क्योंकि आप सारे दीन के लिए काम कर रहे हैं दें जी पीपल्स पार्टी को दें मुस्लिम लीग को दें तहरीके इंसाफ को लेकिन टेक ओवर करें टेक डोमिनेट करें कि हमारा वोट है जब आप पाकिस्तान में ये काम बहुत मुश्किल नहीं है आपको बात बताऊं जब अब यहां से अंदाजा कर लें कि मुस्लिम लीग नून जब लेट नाइन्टीज में इलेक्शन जीती तो मेरे ख्याल में अठासी लाख वोट पड़ा था मेरे ख्याल में अठासी लाख कैन यू इमेजिन कि हम पाकिस्तान की तेईस करोड़ की आबादी जिसमें से आ, मेरे ख्याल में चार पांच करोड़ लोग वोट देते हैं और अट्ठासी लोग लाख लोग अगर और वो लोग जो अन थे आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो मैसेज पहुंचाना मुश्किल काम नहीं है हम अगर डेढ़ करोड़ लोगों को एक नजरिए पे इकट्ठा करते हैं विच आई अंडरस्टैंड के दस पंद्रह साल लग जाएंगे हमें लेकिन दस पंद्रह करोड़ लोग हर पार्टी के अंदर मौजूद हों फैले हुए हों और मेजोरिटी उनकी हो हर पार्टी के अंदर जो मर्जी पार्टी जीतेगी फिर जीतेगा इस्लाम ही अभी आप देखिए कि जायनिस्ट कोई इसराइल के अलावा आपको एक पोलिटिकल पार्टी उनकी उनको आपको नहीं मिलेगी उनकी

जो जो ड्राइवर हैं फॉर एग्जांपल सूद गदालोक इकोनॉमी के ड्राइविंग से है मीडिया का ताल्लुक कल्चर की ड्राइविंग से है कि जो मेजर ड्राइवर्स हैं ये हम खत्म कर सकते हैं 25 से 30 साल में इंशाल्लाह थैंक यू सर सोफिया यू कैन अनम्यूट अनन यू कैन अनम्यूट Assalamualaikum. ये हाँ ये, भी आपको पता ही ट्वेंटी मोर इयर्स से ज्यादा तो ये चल रहा है ऑलरेडी और अभी भी हम अगर एक आवाम के लेवल पे बात करें तो उसकी अवेयरनेस एक आवाम जनरल पर्सन लोगों के लिए बहुत ही कम है डू यू थिंक हम सिर्फ अवेयरनेस सेशन से थ्रू सूद की बात कर लेते हैं हम इस लेवल पे आ सकते हैं नहीं करेंगे हम आपको वोट नहीं देंगे जबकि बीस साल से ये केस चल रहा है डिफरेंट कोर्ट्स में और अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है आम लोगों को कि हो क्या well, इससे पहले अवेयरनेस नहीं दी गई ना यही डिफरेंस है इससे पहले के जो लोग थे वो इलेक्शन में जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ें होती थी जिन चीज़ों के अराउंड इलेक्शन रिवॉल्व किया करता था वो थी नाली पकी करनी गली पकी करनी वगैरह 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 इस तरह की चीज़ें दैट टाइम इज़ नाउ चेंजिंग जो आज का नौजवान है ये रिलीजियसली जितना अवेयर आज का नौजवान है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं शायद जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था जिन नौजवानों ने शायद वो होंगे जिनको जिम्मेदारी पता थी उन्होंने पाकिस्तान बना लिया या आज का नौजवान है सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिर्फ ये नहीं कि आप सूद खत्म करें और हम इंतजार करेंगे और आपको फिर वोट नहीं देंगे वो तो ऑबियसली हमारा बेसिक काम है लेकिन अवेयरनेस सिर्फ वहां तक नहीं रहती है अवेयरनेस का ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि ठीक है आप सूद खत्म नहीं करते बैंकों वाले नहीं करते तो फिर हम ये काम कर लेते हैं कि हमारे जितना भी पैसा पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक्स में वो हम जो इस्लामी बैंक्स हैं हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं अब ठीक है कुछ इस्लामिक बैंक जो हैं वो सर्टिफाइड हैं फतवा के साथ कुछ नहीं हैं कुछ में थोड़े से लूप होल्स हैं लेकिन अगेन इन एनी केस वो जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे बेहतर हैं उनसे बहुत बेहतर हैं ये एक अवेयरनेस का, का काम है इसका ताल्लुक भी सियासत के साथ है पोलिटिकल मूवमेंट है कि ये।, ये किया जा सकता है उसके बाद फिर होगा कि एक प्रेशर इलेक्शन की तरफ से आ रहा है जो इलेक्ट्रेट है उसकी तरफ से आ रहा है एक जो कंज्यूमर है बैंक का उसकी तरफ से आ रहा है तो सूद तो खत्म होना नहीं करेंगे तो ये इतने दिलेर लोग हैं कि जो आपने कहा ना कि अदालत ने फैसला दिया अभी 2022 में दिया है वाकई ही दो तक का फ्रेम वर्क भी दिया कि पांच साल में सूद खत्म करें जस्टिस मुस्कान साहब का ये आखिरी फैसला था उसके बाद वो रिटायर हो गए ईशा की नमाज के वक्त मस्जिद के सामने गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया बिकॉज नो वन वेरी केयर बिफोर और आफ्टर बट वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दे नो दैट वी डू केयर तो एक तो हमारा वोट इससे लिंक्ड है

पात्मा अन्जुम, अन्जुम बारे, 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 मेरा है हमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है हमारे स्कॉलर्स में और मॉडर्न डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो एंड देर आर लॉट ऑफ अराउंड जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है

यूके uh, में जो उनके कुछ लोग हैं उनके साथ तो इस गैप को रिड्यूस करने का ये तरीका कार है कि जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फिर एक्सप्ल uh, करें कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दिस इज हाउ यू सॉ और उसके सारे असूल जो ऑफिक के अंदर हैं सो इट्स दैट्स पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल रिवाइवल इनफैक्ट हमारा रशीद में जो एक पाकिस्तान का मेजर मदरसा है वहाँ पर एक सेशन हमारा हो भी चुका है टीचर्स ट्रेनिंग का जिसमें सारी मॉडर्न एजुकेशन जितनी भी दुनिया में है यू नो बीबीसी का वो भी देते हैं वही कॉन्टेंट यूज करते हैं है, नंबर ऑफ़ बाकी बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी तो दैट पार्ट ऑफ़ इंटेलेक्चुअल रिवाइवल इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट उस काम हो रहा है आ, बाकी देखें यही उल्मा का काम है ना कि जब भी कोई नई चीज आए उसको एड्रेस करें अगर नहीं कर रहे तो वी कैन ब्रिज बाई किया जा सकता है Uh, सर मेरा आपसे ना दो क्वेश्चन है और दोनों ही इम्पोर्टेंट मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ एम uh, बी बी -E एस फाइनल ईयर का तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सिंपली मैंने ना मौलाना इसाक साहब को सुना था तो उन्होंने कहा था कि आप जिस भी फील्ड में है ना आपका मेन काम यह है कि आपने उनके कहने का मकसद ये था कि आपने पूरी वर्ल्ड के लोगों को अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है ठीक है तो हाँ, के साथ कनेक्ट करना है तो बीइंग मेडिकल स्टूडेंट बीइंग अ डॉक्टर क्या मेरे ऊपर ये टेस्ट होगा कि मैंने मेडिकल के फील्ड के थ्रू लोगों को अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है चाहे मैं पाकिस्तान में रहूं चाहे मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊं और दूसरा जो मेरा आपसे क्वेश्चन है ना वो ये है कि जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं ना किसी भी लेवल पर जैसे आपने कहा कि सेकुलरिज्म के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं सूद के खिलाफ उठा रहे हैं या ड्रामा इंडस्ट्री के खिलाफ उठा रहे हैं तो सर मेरा ये ख्याल है कि वी आर फोकसिंग ऑन लिटिल थिंग्स एंड वी आर फोकसिंग द बिगर बिगर प्रॉब्लम्स फ्रॉम और अदर मुस्लिम कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम तो आप उसके बारे में मेन बात क्यों नहीं कर रहे कि हम मुस्लिम आइडेंटिटी के थ्रू सबसे पहले एक मुस्लिम लड़की की मुस्लिम लड़के की एक स्टीम को तो पहले बिल्डअप करें ना अब मैं सरगोदा में हूं ना सर तो सरगोदा में लिटरली मैं पांच साल बाद ना हर जो सियासतदान आता है ना चार रोड बना के अपनी वोट पके करके फिर वो चला जाता है असेंबली पांच साल बाद फिर आता है वही चार रोड बना देते हैं तो वजह ये है कि उनकी ना सेल्फ स्टीम नहीं है तो पहले उस सेल्फ स्टीम को बीट किया जाए उसके बाद ये छोटे छोटे मसले देखे जाए ताकि इस्लाम को हम बचा सकें उसके बाद मुसलमान को बचाया जाए तो वट यू थिंक अबाउट डेट जी हेलो मेरी आवाज आ रही है जी सर।, जी सर अच्छा सॉरी मेरा माइक ऑफ हो गया था किसी वजह से सॉरी मैं ब्रदर की बात का जवाब दे रहा था कि देखें बात ये नहीं होती कि हम जो मुस्लिम आइडेंटिटी एंड यस दैट लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सिस्टम को छोड़ के सिर्फ अफराद पे काम करें और वही सिस्टम उन लोगों को इंस्पायर करे तो आपकी बात सुनो तो कन्फ्यूज हो जाएंगे ना जैसे बच्चे हो जाते हैं

यू हैव टू स्टैंड आप अगर खड़े नहीं होंगे हक के लिए हक कभी भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा इट्स दैट सिंपल दैट सिंपल तो उसका तरीका कार यह है कि आप लोगों के पास जाएं बातचीत करें जो कि हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जितना भी मैं कि पाकिस्तान भर में मेरा ट्रैवल चल रहा है यूनिवर्सिटीज में चल रहा है कॉलेज में चल रहा है इधारों मजहबी इधारों में चल रहा है एक तरफ मैं पाकिस्तान के डॉक्टर से बात कर रहा हूँ एक तरफ से बात कर रहा हूँ the तो हाँ। <laughs> मुझे दो चीजें बहुत बुरी लगती हैं और ये आपका सवाल का शुक्रिया मुझे मौका मिल रहा है मैं उसको एड्रेस करूं कि दो चीजें एक लोग कहते हैं कि जरूरत इस अमर की है और लोग ये कहते हैं कि इस पे काम करना चाहिए जस्ट ब्लड फॉर गुडनेस एक पिचहत्तर साल से इन दो जुमलों ने हमारी रोक के रखा हुआ है इस पर काम करना चाहिए इम्प्लाइज के किसी और ने करना है नहीं मैंने करना है आपने करना है क्वेश्चन इज हाउ द people, रीच आउट know. लोगों पे काम करो साथ उस उस पे पे काम करो, उस पे काम करो, करो जिसने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है ड्रामा है उस का चेंज करो उसे सियासत है टेक ओवर करो बैंक है सूद खत्म करो देर इज दिस इज हाउ यू डू इट करना चाहिए वाला टाइम खत्म हो गया है हमारा मोटो है रिवाइवलिस्ट का कुंभ खड़े हो जाओ स्टैंड अप You have to stand up for the truth if you want the truth to stand up for you. Thank you requested um, that he has another session and you would like to leave. So we will honor his request and we would like to thank kesar on behalf of all the IMS for your time and just before leaving, a few last words about revivalists. Um, any any particular aspect of it? Uh, anything that you would like the people from IMS particularly to know? How they um, can contribute? आप, uh, look, at the moment, we specialize in teams, social. सो यू की बोर्ड वॉरियर्यर्स की टीम है आ, वो डेवलप कर रहे हैं यू कैन ज्वाइन दिन बिकम पार्ट ऑफ दैट हमें एक टीम चाहिए पर्टिकुलरली बहनों बेटियों की जो ड्रामे देखती हैं <laughs> कि सफर ड्रामे आपने सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए नहीं देखने बल्कि क्रिटिकली देखने हैं कि कौन सा डायलॉग कौन सा ऐसा है उसमें मैंने रिव्यूज की एक सीरीज शुरू की है आइडिया ये है कि जब आप एक रिव्यू देखते हैं और उसमें आप ये देखें कि ये साइकोलॉजी यूज की गई है तो नेक्स्ट टाइम जब किसी और ड्रामे देखते हैं तो यू कैन पिक इट अप आप, आपका रेडार ऑन हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे वही हरकत हो रही है सो यू कैन लेट अस नो वी कैन पुट इट टू द लीगल टीम दे कैन टेक इट टू द अगेन सारा ये साराटियरली काम है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके साथ साथ हमारी जो रिसर्च ऑलरेडी इवोल्यूशन पे हमारी रिसर्च हो रही है उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं बाइ ऑल मीन सोशल स्टडीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं आई एम हैप्पी टू शेयर द लिंक विद यू आप उसको कम एंड ज्वाइन उसके बाद फिर आप अपनी स्पेशलिटी बताएं वो क्या है आ, हमारी ऐप डेवलप हो रही है मुझे लगता है कि शायद दो दो तीन हफ्तों तक वो काम पूरा हो जाएगा फिर हमारे पास जो मी uh, है और, और जो ऑपरेशनल फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये मैं कर सकता हूँ जस्ट लव यू टू लवल आई एम एस रिवाइवलिस्ट हैंड बाई हैंड चले uh, यहाँ पे हम इंटेक्चुअल का ग्रोथ का काम करें जो आई एम एस में कर रहे हैं वहाँ पर हम ज्यादा जो फील्ड में जाएँ जो हम कर रहे हैं एंड टुगेदर दोनों प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करते हुए अल्लाह के पास जाए तो शर हमारा सर हमारे शर्म से नहीं बल्कि इज्जत झुके हुए हों हया से झुके हुए हुए इस शर्म से नहीं कि हम फेल थे Because our success is just one thing, जो अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है बेशक सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका थैंक yeah. जी जी, यू जी 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 आपके ट्विटर पे भी शेयर है हम बिल्कुल सबको बताएंगे राइट वंडरफुल थैंक यू जी मैं माफी चाहता हूँ आई हैव टू गो अभी गजा के लिए वो शुरू होने वाला सेशन हमारा इंशाल्लाह बात जारी रहेगी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तो सब का आपने टाइम दिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब थैंक यू जी वेरी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स अ लॉट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व